स्वागत so, तो है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लाइंट एक मेरे पास आए थे जिनका जमीन है आप देख सकते हैं ईस्ट साइड का जो साउथ नॉर्थ का फेसिंग है वो 45 फीट है और जो पश्चिम में उत्तर से दक्षिण आया हुआ है उसका भी 45 है यानी प्लॉट का जो ये साइज है पैंतालीस फीट बाय बावन फीट है ठीक है प्लॉट का साइज आप देख सकते हैं ये पैंतालीस फीट बाय बावन फीट ठीक है पैतालीस बाय बावन का इनका प्लॉट है ये ये देख रहे हैं आप ये मेन रोड आया हुआ ठीक है ये नेशनल हाईवे एनएच है ठीक है एनएच से एक रोड गया हुआ यहाँ पंद्रह फीट का ठीक है इस प्लॉट में जाने के लिए पंद्रह फीट का रास्ता भी गया हुआ ठीक है रोड है ये रोड इस प्लॉट में कनेक्ट है फ्रंट पे ना एक प्लॉट है किसी और का ठीक तो एक प्लॉट छोड़ने के बाद इनका प्लॉट है तो इनका साइज मिल जाता है आपको पैंतालीस फीट बाय बावन फीट का इनका प्लॉट है जिसमें हम लोगों ने उनचालीस फीट तीन इंच में कंस्ट्रक्ट बिल्डअप किया है उनचालीस फीट तीन इंची बाई अट्ठाइस फीट एक इंची पे ठीक है आप देख सकते हैं इस साइड नॉर्थ साइड में सिडबैक छोड़ा गया तीन फीट ठीक और साउथ साइड में दो फीट नौ इंच है ठीक है और ईस्ट में छोड़ा गया ग्यारह फीट ग्यारह इंचेस ग्यारह फीट ग्यारह इंचेस और जो वेस्ट में है वेस्ट वाला साइज छोड़ा गया बारह फीट का ठीक है ये पूरा कार पार्किंग का एरिया अगर गाड़ी आई डायरेक्ट गाड़ी यहाँ पे लगेगा यहाँ पे एक पोर्टिको भी बन जाएगा आप पोर्टिको बनाना चाहिएगा तो यहाँ पे आप पोर्टिको भी बना सकते हैं इस टाइप का ठीक है ये हमारा पोर्टिको हो जाएगा ठीक है यहाँ से ये गोल सर्कुलर कॉलम लगेगा खूबसूरत लगेगा जब बनेगा तब ठीक है एक यहाँ पे आप आर्च वर्च बना सकते हैं ये ये इसमें आज का काम हो जाएगा बिटिंग का काम हो जाएगा ठीक है ये हो गया आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं ये गया और ये इस टाइप का डिज़ाइन भी आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो खूबसूरत लगे अच्छा लगे ठीक है ये डिज़ाइन कर सकते हैं आप ये देखिए ये वाला हो गया आगे का प्रोजेक्शन ये निकला रहेगा और ये सामने में फोटिको यहीं से गाड़ी जाएगा गाड़ी लगेगा इसमें आप आराम से आ सकते हैं अब देखिए अब चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ बताते हैं क्या कैसे है ठीक है इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे ठीक है वरमदा मिलेगा जो कि 10 फीट बाय 7 फीट का ठीक है बरमदा पे है बरमदा से क्या है एक आपको स्टेयर में जाने का रास्ता है ठीक है स्टेयर में सीढ़ी हमारा यहाँ क्लॉक वाइज चल रहा है ये वाला स्टेप यहाँ से चढ़ रहा है ठीक है यहाँ से चढ़ेंगे यहाँ पे फिर छत पे चले जाएंगे अब सीढ़ी के बाद बरमदा पे आइए बरमदा से अंदर चलते हैं यहाँ से फिर हम लोग अंदर जाएंगे तो हम लोग को तीन रूप तीन रूम मिलता है ठीक है जो कि आप देख सकते हैं ग्यारह फीट बाई तेरह फीट का एक रूम मिल जाता है दूसरा रूम भी आपको फीट फीट का और जो तीसरा हमारा ये मास्टर बेडरूम है ठीक है जिसका साइज आपको मिल जाता है पंद्रह फीट इंचेस नौर फीट का इसके साथ हम लोग एक टॉयलेट बाथरूम अटैच दिए हुए हैं इसका रास्ता आपको यहाँ डोर लग जाएगा इसका डोर यहाँ लग जाएगा इसका डोर यहाँ लग, लग जाएगा ये किचन है किचन का आप लोग सेंटर में बना सकते हैं किचन का प्लेटफॉर्म आप ऐसे भी कर सकते हैं हम आपको इसका बना के दिखा दिखाते देखिए इसे ये, ये आप थ्री फोल्ड में यानी ई टाइप का ये, ये हो गया आपका किचन का प्लेटफॉर्म और हम लोग यहां से एंट्री कर देंगे ठीक है ये किचन में जाने के लिए हो गया ठीक किचन का साइज आपको मिल जाता है दस फीट बाई सात फीट का ठीक है एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया ठीक है जिसका साइज आपको मिल जाता है नौ फीट चार इंचेस बाई पांच फीट दो इंचेस का ठीक है तो ओवरऑल ये थ्री बी का हाउस प्लान है और ये बिल्टअप एरिया जो किया गया वो उनचालीस फीट तीन इंचिस बाई अट्ठाइस फीट एक इंचज में किया है ठीक है तो आप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ आज के लिए इतना ही थैंक यू